नमस्ते, मेरा नाम चंदा गुप्ता है और मैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन टानासा स्कूल। आज हमारे स्कूल में कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट में राजेंद्र छिन्ना जी हैं, उनके हस्बैंड आए थे और उन्होंने अपना कीमती समय दे करके ओपनिंग सेरेमनी की है। सो उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच कि वो आए। इसका विज़न मैंने जब 2016 में जब मैंने एकेडमी लॉन्च की थी, मेरा विज़न उसी समय था कि मैं एक इस तरह की एकेडमी लॉन्च करूँ जिसमें अंडर वन रूफ बच्चों को वो सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाए जो आजकल की ज़िंदगी में, आजकल के समय में बच्चों की ज़रूरत है, नीड्स हैं। जिस तरह की जैसे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चों में ये काबिलियत है मैम, लेकिन हमारे पास समय नहीं है और हम उस तरह के बच्चे को दूर भी नहीं भेज सकते और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम बच्चों के पीछे खर्च कर सकते हैं। तो ये जब मैंने उनसे सुना तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने दिल में खटकी कि नहीं, बच्चों में पोटेंशियल तो है, लेकिन उस पोटेंशियल के ज़रिए हम अपनी एकेडमी के ज़रिए हम बच्चों का समय भी बचा सकते हैं, उनके पैसे भी बचा सकते हैं और सबसे बड़ी है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों आने वाला बच्चों का जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी ही है। आफ्टर सिक्स क्लास मैंने बच्चों को वे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है कि बच्चा आकर के जिस भी फील्ड में, कंप्यूटर के जिस भी फील्ड में वो आईटी फील्ड में सीखना चाहते हैं, बेसिक फील्ड में सीखना चाहते हैं, तो उनको हर चीज़ के कोर्सेज इसके अंदर सिखाया जाए। एक ऐप लॉन्च करी आपने, उस ऐप में क्या खास रहेगा? इस ऐप में खासियत ये है कि जैसे बच्चों का कंसर्न होता है, आजकल इतनी किडनैपिंग्स हो रही है, पेरेंट्स को होता है कि हम मैम सिखाना तो चाहते हैं लोग, लेकिन बच्चों को हम इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं, तो इस ऐप के जरिए हमारे पास ये होगा कि बच्चा जैसे ही हमारे कैंपस में एंटर होगा, उन्होंने पंचिंग की, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन उनके पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा, तो पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा सेंटर में पहुंच चुका है, और जब यहाँ से उसने सेंटर कंप्लीट करके फिर वो पंचिंग करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा वहाँ कंप्लीट करके अब वो घर के लिए पहुँच रहा है, तो पेरेंट्स को ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मेरा बच्चा वहाँ पर सेफ है, सेफ इन्वायरमेंट में है और सीख रहा है। एक चंगा प्रयास है जी, जो बच्चों की बेसिक नींव पक्की होगी तो वो अच्छी गल है, बहुत वधिया गल है। ठीक है, जेडे लोग नहीं उस पहुँच तक जा सकते उन्होंने यह बहुत अच्छी गल आ, क्योंकि वो घट पैसे में भी वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एक प्राइवेट संस्थान वालों इस तरह के उपराले किए जा रहे हैं, देखा जाए आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमएलए तुम्हारे वाइफ ने मैडम छिन्ना जी, उन्होंने वाले को कहा गया असं भी एजुकेशन प्रमोट करा इस इलाके एजुकेशन सिस्टम मजबूत करा। हाँ जी, तुम किस तरह देख रहे हो? असी थोड़े दिन पहला एक ढंडारी स्कूल के शेरपुर स्कूल के कंप्यूटर सेंटर का बहुत बड़ा उद्घाटन किया, जिद 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं, तो आने समय असी होर भी इदा के प्रयास करते रहेंगे। संदेश देना चाहवा जी बच्चों के जोड़े बच्चे ने आने वाले समय के साढ़े लीडर ने, इन्हों जी अच्छे अपना बच्चे या अच्छे विज्ञानी या अच्छे विद्वान बनाना, इन्होंने लिए अपन इदा के प्रयास करते रहना चाहिए, इन कि साडा आने वाला जोड़ा भविष्य वधिया रहे जी। मेरा नाम रोहित तूर है और मैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल में जो कंप्यूटर अकेडमी है वहाँ पर टीच कर रहा हूँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये 3 मकसद से बनाया गया, ट्रिपल ई का फॉलो हम लोग कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन और इन्वायरमेंट। हम जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ही बच्चे की जो एजुकेशन है वो अच्छी बनेगी, और बच्चे का अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो आगे चल के उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और हमारी यही सोच है कि हम किस तरीके से बच्चे के ट्रिपल ई पर काम करें, और वो चीज़ हम लोगों ने डेवलप करी है अपने इस एप्लीकेशन के जरिए ताकि पेरेंट्स को एक्सेस कर सके और एक्सेस करके सारी चीज़ें उनको ऑन द गो मिल सके। ये आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वेदर इट्स योर होम, योर टाउन, आप कहीं पर भी हो, नॉर्मली आपको एप्लीकेशन चाहिए वो हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है। आपको अपने एंड्रॉयड पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर प्लेट सर्च करना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा वो सारी सुविधाएं जो आप लोग चाहते हो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। परमजीत सिंह, बहुत वधिया शुरुआत हैगी, बच्चे थोड़ा जहा एजुकेट होंगे, वधिया चीज़ा सीखेंगे, नाले हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूले जान, थोड़ा जहा अपन भी होगा कि स्कूल वालों भी अपन फीडबैक वगैरह मिलता है कि हाँ ठीक है बच्चा आ रहा है, थोड़ा जहा सीखने नवी चीज़ मिलेगी,
ते बच्चे शुरुआत तो ही अच्छी चीज सीखे पढ़ने तो थोड़ा जहाँ इन्हों भी होगा एजुकेट हो गए कि हाँ अपन हैगी नॉलेज हैगी टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी जरूरी हैगी ते कापी किताब नाल ते चलो हैगी ही पढ़ाई होंगी है स्कूल नाले कंप्यूटर क्लासेस नाल ते वादा ये है कि घट वट सीखूगा बच्चा आके घर दसूगा कि हाँ ये चीज़ मैनू आ गई है अपन अलग तो क्लासेस वगैरह बाहर लगाने की लोड़ नहीं पैनी सानू इत्थे स्कूल ते ही सानू सारा कुछ मिल जाएगा बच्चे। हाँ जी सर बहुत अच्छा है नवा स्कूल बनने मतलब न्यू एडमिशन है साढ़े टाइम से तो है कंप्यूटर वगैरह सब सीखा नहीं हूँ इस स्कूल से है बैटर है इस पूरे एरिए से यह स्कूल सही है भी पढ़ाई के नाल नाल कंप्यूटर नाल भी रिलेटिव रहेगा और अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भी सानू आता है कंप्यूटर चलाना आता है। हाँ जी एजुकेशन हाँ कंप्यूटर भी नाल दे नाल ही सब कुछ है सही है। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका है। तो कैसे देखते हैं एक स्कूल में जूनियर जो प्ले स्कूल है कंप्यूटर एजुकेशन साथ में स्टार्ट की गई है। हाँ जी तो बहुत अच्छी बात है ना अच्छा लगा हमें हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा इसके थ्रू मैम को थैंक्स कहना चाहती हूँ। माई नेम इज़ मोनिका नंद आई एम द टीचर ऑफ द रियलिटी इंटरनेशनल स्कूल दिस स्कूल इज़ अ वेरी बेस्ट फॉर आर स्टूडेंट्स एंड दिस स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन आर एरिया सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स प्लीज एडमिट टू योर स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल एंड आर स्कूल आज हमारे स्कूल में कंप्यूटर ओपनिंग सेरेमनी थी इसके लिए हमारे स्कूल ने 6 साल पूरे कर लिया है और अब हमारा स्कूल दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है तो मैं आशा करती हूँ सब पेरेंट्स से कि कृपया आप अपने बच्चों को यहाँ पर नए जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल ने शुरू की है उसके लिए कृपया आप हमारा अपना सहयोग हमारे स्कूल को अवश्य दें।